जिंदगी में कई मौके आते हैं जब हम हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, लेकिन ये वही पल होता है जब हमें खुद को पुश करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे ही कुछ आपको अभिषेक बच्चन और सयामी खैर की नई फिल्म घूमर से सीखने को मिलेगा। प्रेरणा और लगन की कहानी से भरपूर ये फिल्म बोरिंग है या फिर बन रही है सभी की फेवरेट। आइए जानते हैं खुद फिल्म घूमर को देख चुकी ऑडियंस से, जानते हैं लोगों के रिव्यू घूमर के लिए कैसे रहे। घूमर अभिषेक एंड अभी बांद्रा की लड़की सयामी खैर, सुपर मूवी, हार्ट्स ऑफ मूवी। जो स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, लाइक टोटली हार्ट टचिंग है। मैं खुद एक स्पोर्ट्स में रह चुका हूँ तो मुझे पता वो फीलिंग्स क्या होती है जब बंदे को निकाल दिया जाता है, ये डीमोरलाइज होता है, टूट जाता, बिखर जाती लड़की हार्ट कट जाने से। किस तरीके से अपने आप को बैट्समैन एक बॉलर बन के आ रही है, धमाल मचा रही है, और इस तरीके जो लास्ट का जो एक घंटे का जो वो इंग्लैंड का जो मैच दिखा है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वहाँ पे जो किस करने का जो सीन अपने हार्ट को लेफ्ट हैंड का, दिल जीत लिया उसने। फिर आगे हम लोग अभी अभिषेक जी का जो डायलॉग है उसमें एक जो डायलॉग है कि मैजिक ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता, तब जाके किस्मत का दरवाज़ा खुलती है। बंदी ऐसा लात मारती है दरवाजे को, एक हाथ से तोड़ देती है, फिर बाद में किस्मत की चाबी भी ढूंढ लेती है। इतना अच्छा बेहतरीन मूवी, डायरेक्टर ने पूरा होमवर्क करके इमोशंस को डाला है, और हैज अ गेस्ट अपीयरेंस अमिताभ बच्चन ने तो धमाल ही मचा दिया है कॉमेंट्री में। हम लोग ने सोचा ही ना अमिताभ बच्चन भी रहेंगे, हम लोग सिर्फ ऐसे ही चले गए थे यार अमिताभ बच्चन की जो कॉमेंट्री है लास्ट को, बंदी क्या करेगी लास्ट को, जो छगड़ी जो मारती है, छगड़ी मार के लोगों को ऑडियंस का दिल जीता है। अभिषेक और इनके बीच में जो केमिस्ट्री है, जो एक छोटी सी लव स्टोरी भी दिखाई है इनका बेटी के साथ, इतना मज़ा आ गया, जो ऐसा लग रहा था यार हाँ स्कूल एज में कॉलेज में जो लव स्टोरी जो चलती रहती है, एंडिंग में कहा क्लाइमेक्स पे, क्लाइमेक्स इज वेरी सुपर, हैट्स ऑफ। एक जो पीछे बिहाइंड से जो गाना है वो भी मन को छू लेने वाला गाना है। मैं कंप्लीटली ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूँगा, भाई आओ मूवी ऐसा देखो मत कि क्या है, गदर विदर भी है अपनी जगह पर, रिस्पेक्टेड मूवी, ये भी मूवी का अर्न करता है कहीं ना कहीं, ये भी मूवी अर्न करता है। प्लीज़ गाइस कम एंड वॉच दिस शो। फ्रॉम माई साइड आउट ऑफ फॉर दिस मूवी 4। अपनी बांद्रा की लड़की है भाई, बांद्रा पीपल प्लीज कम एंड वॉच दिस शो, दिस इज रियली मूवी इज वर्थ इट फॉर टू वॉच इट। अब कैसी लगी ये जो है, मुझे जो है लगान मूवी का इस मूवी ने याद दिया। लगान मूवी में जो लास्ट का जो आधा घंटा जो मतलब इसके सीन जो देखने को मिले, क्लाइमेक्स जो देखने को मिले, इसमें मुझे देखने को मिला। और सबसे बेस्ट जो एक्टिंग है इसमें अभिषेक बच्चन का, जो अलग तरीके का जो है, मतलब एक क्रिकेटर रहते हैं टेस्ट प्लेयर का और फिर बॉलर रहते हैं, और ये मूवी से सीखने को मिलेगा हर एक प्लेयर, हर एक क्रिकेटर, हर एक चीज़ से जो जुड़े हुए हैं, मतलब जो भी, चाहे रनर हो, रनर अभी मेरे साथ था गया हो, रनर हो, चाहे जो भी हो, मतलब उनके अगर उनको बैठा दो तो कितना इफेक्ट पड़ता है और कितना उनके ऊपर ये पड़ता है, उनकी लाइफ खराब ख़त्म हो जाती है, हर एक चीज़ गलत करने लगता है। तो इसके अंदर यही बताया गया है, अभिषेक बच्चन जो है मतलब उनको निकाल दिया गया रहता है, टेस्ट प्लेयर रहते और एक नंबर के बॉलर रहते, कुछ कारण से जैसे आप लोग ने देखा होगा विराट कोहली के साथ ऐसे हुए, ऐसी इसके अंदर सेम टू सेम यही दिखाई गई है। और घूमर का मतलब ये है कि लास्ट में जब ये रहती है लड़की बैट्समैन, ये देख सकते हैं ये लड़की रहती है बैट्समैन, और ये जो है एक नंबर की बैट्समैन रहती है, लेकिन ये एक रहते बोलते मुझे ये इसका मेरे को एक बॉलिंग मिले डालने के लिए, मैं बता दूँ ये एक नंबर बैट्समैन नहीं, एक बॉलिंग में ज़बरदस्ती डाल के उसका बोल कर देते, ये नहीं है। अभी वो जो है उसे प्रेशर होता है और एक्सीडेंट होता है, उसका एक हाथ निकल जाता है। अब इसके अंदर ये है कि ये खास से करेगी ना, बैटिंग हो सकता है ना कुछ हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ये है कि वही अभिषेक बच्चन उसे उस काबिल बना देते कि एक हाथ से भी दुनिया को जीता जा सकता है, और ये बॉलिंग इसके हाथ में आता है। और ये जो है लास्ट में यही लड़की जो है, मतलब ये बोलते हैं ना, देखो मैं घूमर का क्या मतलब है, देखो ये बॉलिंग, ये ऐसे घूमता है, ये मतलब ये इसके अंदर एक्शन बताया है। और वो घूमर जो है मतलब ये जो एक्शन उसके अंदर ये बताया कि जितना आप जो है मतलब प्रेशर से डालोगे अपने दिमाग के ऊपर, अगर दो पर चौका जा रहा है तो तीसरे में विकेट मिलना चाहिए, इसके अंदर ये बताया। लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या है सर मालूम, अमिताभ सर महानायक उसके अंदर है, और वो जो है बोलते हैं उसके बाजू में लंदन की लड़की और लंदन की वो कमेंटर बैठी रहती है, तो बोलती है ये आप क्या बोल रहे हैं,
घूमर का मतलब है जब वो घूमते हैं अमिताभ बच्चन तो पूरा स्टेडियम घूमने लगता है घूम घूम करके, और ये लड़की जब जब भी बॉल फेंकती तो सब लोग घूमने लगते हैं। तो नंबर मूवी इज बेस्ट, एक नंबर है, और मुझे लगान मूवी का याद आ गया। और ये जो है अभी भी मेरे जब भी मैं बात कर रहा हूँ ना तो इसके सीन जो याद आ रहे हैं मेरे दिमाग में फिट है और ये रोंटे खड़े हो। और ये मूवी जो है मैं वापस देखूंगा क्योंकि मेरा पेट नहीं भरा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा कि ये जो है अगर किसी को पूरा क्रिकेट बोर्ड और बैठा देता है तो उसके ऊपर ज़िंदगी के ऊपर क्या होता है। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये लड़की जो है लड़के से प्यार करती है, जब वो एक बार जो है मिलने को आ जाती है तो अभिषेक बच्चन गर्म हो जाते हैं। क्योंकि अगर ये खिलाड़ी हो आप तो ये सब नहीं चाहिए, जो कि आपको मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ। विराट कोहली जब अनुष्का शर्मा बैठती थी तो क्या होता था, क्लीन बोर्ड, विराट कोहली बाहर, जो कि डबल सेंचुरी मारने वाला बाहर। तो इसके अंदर वही बताया है, जुनून, जुनून मतलब घूमर। तो यही है कि जो पब्लिक इसको देख के निकलेगा डबल, मेरा गारंटी, अगर डबल नहीं देखे तो मैं पिक्चर देखना बंद कर दूँ। एक नंबर पिक्चर है और मैं इसे देता हूँ पूरे के पूरे 4 स्टार। घूमर इस सीज़न की मेरे ख्याल से अच्छी फिल्म बोलना चाहिए इसको। अभी बॉलीवुड के सीज़न में जो गदर चल रही है, उसके बाद सेकंड ओ माय गॉड चल रही है, उसके बाद थर्ड अपना रॉकी रानी चल रही है, ये बॉलीवुड के लिए सरप्राइज़ है। और ये घूमर अभी भी आ रही है बाद, ये फिल्म स्टोरी है, बहुत अच्छी कंटेंट भी है, लेकिन एक हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी एक लेडीज़ की कि इन्हें क्या बोलते उसको, बहुत पावरफुल बताया लेडीज़ को। इन्हें एक आदमी फैमिली के अंदर जीने के लिए भी पावरफुल होता है और जो बाहर की दुनिया में जीने के लिए भी पावरफुल बताया है। लाजवाब एक्टिंग है वो अभिषेक की, पीने वाला शराबी बताया, लेकिन एक नंबर एक्टिंग है उसके। मैं तो कहता हूँ जो अमिताभ ने जो शराबी फिल्म में काम किया था सेम वैसे एक्टिंग उसके बेटे में है, और रेटिंग तो 5/5 दे दूंगा इसका। अभिषेक के सभी सीन एकदम A1 है सीन। इमोशन सेकेंड हाफ बहुत अच्छी, बहुत बोले तो क्या बोल सकते हैं उसके लिए। मैच तो बहुत अच्छा है इसके, और लेडी जो फीमेल मैच होता है ये मैच तो बहुत अच्छा बताया, लेकिन जो क्रिकेट देखने वाले थे उसको 100% देखना चाहिए उन्होंने। ओह एक नंबर बोले, लाजवाब है उनके। तो वो बहुत अच्छी है, एक उसके अंदर सस्पेंस है फिल्म में जो आखिरी में खुलता है, लेकिन सस्पेंस बताया फायदा नहीं इसमें। हाँ सस्पेंस है इसमें, और घूमर का जो बहुत अच्छा है, आदमी घूमते रह जाएगा, लेकिन सिनेमा हॉल में ये फिल्म देखना ज़रूरी है और फैमिली के साथ देखना चाहिए। एक्चुअली फीमेल को देखना चाहिए फिल्म, बहुत ज़रूरी है फीमेल के लिए, जो हिम्मत के लिए जो बोलते ना एक औरत की हिम्मत होती है ये बताया फिल्म में। घूमर की कहानी असल जिंदगी के एथलीट से काफी हद तक प्रेरित है। इस एथलीट ने अपने हाथ के साथ हुए हादसे के बाद भारत के लिए 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे, जहां डायरेक्टर आर बाल्की ने बिना देरी किए दर्शकों को अनीना की जिंदगी से रूबरू करवाया है। वहीं फिल्म की कहानी जज्बे और हमदर्दी से भरी हुई है। आप इसमें अनीना के स्ट्रगल को देखते हुए परेशान होते हैं तो उसकी मेहनत पर आपका दिल भी खुश होता है, लेकिन फिल्म में किसी भी पल अनीना को मजबूर नहीं दिखाया गया और ये देखना काफी अच्छा रहा। दूसरी तरफ पैटी के हाल देखकर आपका दिल भी दुखता है, तो क्या लोगों के इन रिव्यू के बाद आप भी देखना चाहोगे घूमर ये फिल्म? तो इसी के साथ ही जो देख चुके हैं ये फिल्म कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये फिल्म।